यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। माइली साइरस ज्वाइन करती है मेटावर्स को, अप्लाई करती है एनएफटी रिलेटेड ट्रेडमार्क्स के लिए। crypto.com ऐड करता है न्यू ट्रेडिंग पेयर फॉर शिबा इनू। पेपल ज्वाइन करता है Coinbase का ट्रस्ट नेटवर्क। अब बात करते हैं हाल ही में ज्वाइन हुई आर्टिस्ट माइली साइरस के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एनएफटी रिलेटेड अपने दो ट्रेडमार्क्स के लिए अप्लाई किया है और मेटावर्स को ज्वाइन करने वाली वो लेटेस्ट आर्टिस्ट बन चुकी है। माइली साइरस ने रिसेंटली ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दिया है यूएस में, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस में माइली और माइली साइरस के नाम से, जिससे कि वो एक मेटावर्स में एंट्री करती हैं। अगर ये ट्रेडमार्क्स देखा जाए तो वो रजिस्टर किए जाने हैं, जिसके थ्रू वो डाउनलोडेबल वर्चुअल गुड्स इंक्लूडिंग आर्ट्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी, आई वेयर, फुटवेयर, बैग्स, टॉयज, वीडियो गेम्स, कैरेक्टर, बैचेस और बहुत सारी अनदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मेटावर्स में लेके आएंगी। अगर बात करें माइली साइरस की तो वो मेटावर्स में पहले ही एंट्री ले चुकी है, बट इस पेटेंट के बाद वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेंचर होगा उनका मेटावर्स में किसी भी आर्टिस्ट के तौर पे। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, अब एप्लीकेशन जा चुकी है पेटेंट के लिए ट्रेडमार्क ऑफिस में। फिर देखने वाली बात यह है कि अब उसे एंट्री कब मिलती है। अब बात करते हैं crypto.com में हाल ही में ऐड हुए शिबा इनू के न्यू ट्रेडिंग पेयर पे। crypto.com ने शिबा इनू के लिए BUSD पेयर को अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ा है। ये कहीं ना कहीं शिबा इनू यूजर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एक अनदर ट्रेडिंग पेयर मिल गया है ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल शिबा इनू का काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है शिबा इनू की, इसके लवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस ट्रेडिंग पेयर का इंट्रोड्यूस होना कहीं ना कहीं एक्सचेंज और साथ ही साथ शिबा आर्मी दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक्सचेंज ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्दी मेम कॉइन की गेम्स को लेके, उस पर अपर बेस और अडॉप्शन को लेके और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। एज पर द रिपोर्ट शिबा इनू टोकन जो है और इसके जो डेफी वॉलेट्स हैं वो यूजर्स के लिए इनेबल किए जाएंगे ताकि वो शिबा होल्डिंग से अर्निंग कर सके। कम्युनिटी बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है ताकि टोकन को और ज़्यादा वैल्यूबल और यूटिलाइज्ड बना सके। ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ इवेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। पेपल, जैसे कि हम सब जानते हैं 2018 में पेपल ने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की। पेपल वर्क करता है बहुत सारी कंपनीज के साथ में। हाल ही में उसने ज्वाइन किया है Coinbase का ट्रस्ट नेटवर्क। पेपल वर्क कर रहा है अदर कंपनीज के साथ और उसने कंप्लायंस किया है Coinbase के ट्रस्ट नेटवर्क के साथ। अगर बात करें पेपल एक पेमेंट जाइंट है जो कि ज्वाइन करता है Coinbase के ट्रेवल यूनिवर्स सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क को, जिसे कि ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर पेपल के बारे में कहें तो ये 38 कंपनीज के साथ कंप्लायंस कर रहा है, इस रूल में एंटर कर रहा है। इससे पहले 38 कंपनीज और हैं जो इस नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं, उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। पेपल ऐड ने ऐड किया था 2020 में क्रिप्टो फीचर्स को, और अगर बात करें अदर कंपनीज की तो वो भी यही कर रही है। पेपल का ये लेटेस्ट कोलेब्रेशन है Coinbase के साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस में। अकॉर्डिंग टू द Coinbase स्टेटमेंट, पेमेंट ज्वाइन जो है वो इस नेटवर्क को ज्वाइन करता है, साथ ही जो ट्रस्ट नेटवर्क है उससे कहीं ना कहीं जो ट्रेवल रूल्स रिक्वायर्ड है US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक सेक्रेटरी एक्ट में, उससे उन्हें हेल्प मिलेगी। इस रूल से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर से, ताकि जो कस्टमर का ट्रांजेक्शन है सर्टेन अमाउंट का वो सेटिस्फाई किया जा सके। थ्रू द ट्रस्ट नेटवर्क 18 मेंबर्स जो है फरवरी में उन्होंने क्विकली ग्रोथ किया था रिसेंट मंथ में। पेपल का डिसीजन ज्वाइन करना ट्रस्ट को ग्रुप मेंबर्स के में ऐड करता है 38 को। अब बात करें इस कोलेब्रेशन की तो ये कहीं ना कहीं पेपल के लिए तो फायदेमंद है, एक्सचेंज के लिए भी है। इससे पहले भी एक्सचेंज बाइनेंस .us, crypto.com, जेमिनी, क्रैकन जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ कंप्लायंस कर चुका है। पेपल ने 2020 में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया था और अपने कस्टमर को डिपॉजिट एंड विड्रॉल की सुविधा प्रदान की थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।